हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। कल हमने क्लास फोर्थ में चैप्टर फर्स्ट कविता की जो कविता है उसका अर्थ किया था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन देखिए। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? तो बाढ़ कब आती है? जब बहुत तेज बारिश होती है, अधिक बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है, बादल ढोल कैसे बजाते हैं? जब बहुत तेज बादल गरजते हैं तो उससे हमें लगता है कि जैसे क्या बज रहा है, ढोल बज रहे हैं। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? जब बादल रुक रुक कर बारिश करते हैं तब लगता है जैसे वे शरारत कर रहे हैं। अगला है, बरसात के पानी को कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो बरसात के पानी को इकट्ठा करके हम उसे भिन्न भिन्न कार्यों में लगा सकते हैं। इसे खेतों में सिंचाई करने में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, झब्बर झब्बर वालों वाले किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है? कवि ने बादलों को तो बेटा इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए आप, सभी, यानी सभी नाम से बादल को पुकारा गया है। फिफ्थ ऑप्शन कर लीजिए, सभी। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार बादल कैसे हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट, किसी की नहीं सुनते हैं। बादल जिद में क्या कर डालते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, बाढ़ लाते हैं। और लास्ट है, कवि ने बादलों को कैसा बताया है? ऑप्शन है, भोले भाले, यानी थर्ड ऑप्शन। पंक्ति आप पूरी कर लें कविता में से देख के। क्वेश्चन आंसर देखिए, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल आते हैं? तो आंसर है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सेकंड क्वेश्चन है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो आंसर है, हाँ, बादल सचमुच ही काले होते हैं। नेक्स्ट, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? आंसर है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे घनघोर वर्षा करते हैं और तबाही ला देते, बाढ़ आ जाती है कभी कभी। अगला है, बादलों की बनावट कैसी कैसी होती है? तो बादलों की कोई निश्चित बनावट नहीं होती है, वे अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी हाथी का, कभी घोड़े का रूप बना लेते हैं। लास्ट है, बादल अपने थैले से क्या निकालते हैं? बादल अपने थैले से बारिश करते हैं, बूंद निकालते हैं। ओके ओके बेटा, आप नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। ओके, थैंक्स।